भोपाल में एक साल की पूरी फीस जमा करने के मामले को लेकर केनियन हाई स्कूल प्रबंधन के खिलाफ पालकों ने किया प्रदर्शन। स्कूल प्रबंधन को केवल ट्यूशन फीस लेने की अनुमति है, लेकिन उसके बाद भी स्कूल प्रबंधन सरकार के आदेश की खुले आम धज्जियां उड़ा रहे हैं। पालकों ने स्कूल प्रबंधन से कहा कि फीस जमा नहीं होने पर बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा बंद न हो। मांग पूरी नहीं होने पर स्कूल पालकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। विश्वकर्मा और श्री मनोज साहू द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में महोदय आपसे निवेदन है कि ऑनलाइन क्लासेस सरकार के आदेश पर 7 अप्रैल से 15 मई तक फिर जून 8 से अब तक चलाई जा रही है। आपके पत्र पर बिंदुवार जवाब इस प्रकार है। सरकार के आदेश अनुसार ट्यूशन फीस ही हम मांग रहे हैं। इसमें से किसी प्रकार का कंसेशन संभव नहीं है। ट्यूशन फीस मतलब एक्चुअल फीस। ऑनलाइन क्लासेस का समय बढ़ाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक घंटे आधे घंटे ऑनलाइन क्लासेस। अरे पूरी फीस तो ले रही है यार ये। अप्रैल माह में जमा होने वाली बाकी फीस से लेकर सरकार के आदेश का इंतजार है। पूरी फीस तो ले रही यार। अरे इनके पास लिखित में ऑर्डर ले नहीं चलेगी। स्कूल के ताले से ही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रास्ते साइड तो ले लो। अरे एक मिनट बात करो आप। स्कूल वाले ये बोल रहे हैं कि यदि जो माँ बाप फीस नहीं भर सकते वो हमें उनके बच्चों का नाम काट दिया जाएगा। वो ट्रेन पे भी बच्चों को पढ़ाए सरकारी स्कूल में ले आए। बोला मैडम ने अभी बोला है हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।